सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक सवाल देखते हैं कि तोहमत और गीबत में क्या फ़र्क है। देखें, लोग कहते हैं कि भाई हम ये जो बात बयान कर रहे हैं ना आपके सामने, ये तो इस शख्स में है, हम कोई उस पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इसमें ये बुराई मौजूद है। तो मेरा भाई और मेरी बहनों, अगर आप किसी के बारे में गायबाना कोई गुफ्तगू करते हैं और उसकी बुराई के बारे में, और वो बुराई उसमें मौजूद हो जिसे आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी को गीबत कहते हैं। और अगर आप किसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी कोई बुराई बयान कर रहे हैं और वो बुराई उसमें मौजूद नहीं है, तो इसको तोहमत कहते हैं। तो गीबत नाम ही है किसी के पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई को बयान करना जो उसमें मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, अब तोहमत में और शिकायत में और गीबत में जरा फर्क है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने गलत काम किया, आपने जाके थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, तो अब ये गीबत में शुमार नहीं होगा, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है और कानून को इस बारे में बताना जरूरी है। इसी तरह अदालत के सामने गवाही देना किसी ऐसे शख्स के बारे में जो वहां मौजूद हो या ना हो, यह भी गीबत के जुमरे में नहीं आएगा, क्योंकि ये गवाही है, शहादत है। इसी तरह इंसान को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कहां पर वो गीबत कर रहा है और कहां पर वो तोहमत लगा रहा है और कहां पर वो कानून की मदद कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं और फिर वो दूसरों के बारे में इंक्वायरी में शाहिद बनते हैं, गवाह बनते हैं और ऑन रिकॉर्ड अपनी गवाही को वो रिकॉर्ड कराते हैं और फिर वो अदालत में पेश होती है। तो इन तमाम मराहिल में इसको हम गीबत नहीं कहेंगे। किसी की कोई इस तरह की बुराई जो आम हुई है अवामुन नास में, मिसाल के तौर पे एक लीडर है, उसने कोई गलत काम किया है, तो अब उसको गलत काम को गलत काम कहना, ये भी गीबत में शुमार नहीं होगा, क्योंकि आप तो बता रहे हैं लोगों को कि ये गलत काम है, ये भी गीबत में नहीं होगा। अब एक आदमी करप्ट है, वो करप्शन कर रहा है, खुले आम बैठ के करप्शन कर रहा है, अब कहे कि भाई मैं उसके दफ्तर में गया था और वो तो बगैर रिश्वत के काम ही नहीं करता, तो भाई इससे जरा एहतियात करना, मोहतात रहना, ये गीबत में शुमार नहीं होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसकी एक बात अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी में रखी है और आप पर किसी तरह उस बात को मुतला हो गए हैं आप, तो अब उस बात की तशहीर करना ये गलत बात है। अरे यार छोड़ो यार, उनको तो मैंने तो उनको इस हाल में देखा था कि वो तो एक दफ़ा अपना काम निकालने के लिए उन्होंने ना ये वाला झूठ बोला था। तो अब आप किसी की बुराई कर रहे हैं, ये गीबत कर रहे हैं, क्योंकि उस काम से, इस बात को बयान करने से जिसको आप बयान कर रहे हैं, ना वो इफेक्ट होता है, ना माशरे की कोई भलाई होती है, ना जो गलत काम कर रहा है उसे गलत काम से रोका जा रहा है, बल्कि आप एक शख्स की बुराई की तशहीर कर रहे हैं और उसकी उसको बुरा कर रहे हैं। तो दरअसल ज़्यादातर गीबत इन्हीं मानों में इस्तेमाल होती है कि जहाँ किसी आदमी को आप बुरा कर रहे हों, उसके बारे में आप गॉसिप्स फैला रहे हैं। अगर वो गॉसिप्स हकीकतन भी मौजूद हैं तो वो गीबत है, और अगर वो हकीकतन मौजूद नहीं है तो वो तोहमत है। एक हमारी पूरी इंडस्ट्री है जो गीबत और तोहमत पे चलती है, जिसको हम कहते हैं शोबिस, जिसमें हर आदमी दूसरे की टो में लगा रहता है। इसी तरह उसका नाम ही है ना शो बिजनेस, उसमें सारा काम ही दिखाने का है। तो अब उसमें जब तक सनसनी ना फैलाई जाए, जब तक एक दो आदमियों की दुखती रगों पे हाथ ना रखा जाए, किसी की एहसासात को मजरूह ना किया जाए, तब तक आवाम को मज़ा ही नहीं आता। यानी हमारे नफ्स इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दूसरों की तकलीफ़ पर,
दूसरों की टूटती हुई जिंदगियों पर हमें मजा आता है कि फना के साथ ये हो गया, फना की जिंदगी में ये हो गया, फना की फना से खटपट चल रही है, इसमें मजा आता है। इखलाकी तौर पर हम इतने गिर गए हैं कि हम गुनाहों, बुराइयों, फसाद, लड़ाई झगड़ों, गुस्सों में हम मजा लेते हैं, और बात हो खुशी की तो वो थोड़ी सी देर में खबर खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।